यरोमन अन्यंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपने शायद ही कभी सुना होगा कि एक वेब सीरीज ने दो देशों के रिश्तों को खराब कर दिया, या कहें कि दो देशों की गवर्नमेंट को आपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सच है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों यकीन कर लीजिए क्योंकि ये 100% ट्रू इन्फॉर्मेशन है कि नार्कोसेंस नाम की इस रिसेंटली रिलीज हुई वेब सीरीज ने नेटफ्लिक्स ही नहीं बल्कि कोरिया और साउथ अमेरिकन कंट्री सूरीनाम के बीच एक इमरजेंसी सिचुएशन लाकर खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से वहां रह रहे कोरियन सिटीजंस की जान खतरे में पड़ गई है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस वेब सीरीज और इन दोनों कंट्रीज की इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बताऊं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप एक के ड्रामा लवर हैं और हर एक न्यू वेब सीरीज से अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता होगा कि रिसेंटली रिलीज हुई वेब सीरीज नार्कोसेंस ने नेटफ्लिक्स के साथ साथ कोरिया से लेकर साउथ अमेरिका तक हंगामा मचा रखा है, जिसका रीजन इस वेब सीरीज की स्टोरी है जो कि एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। तो मैं आपको इस वेब सीरीज की कंट्रोवर्सी से पहले इस वेब सीरीज की स्टोरी बता देती हूँ। तो ये स्टोरी एक ड्रग डीलर की कहानी है जो ड्रग्स का काम करने कोरिया से सूरीनाम चला जाता है। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से हमारे कुछ दोस्तों को सूरीनाम कंट्री के बारे में ना पता हो, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये साउथ अमेरिका की एक स्मॉल कंट्री है जो हमेशा से ड्रग्स के काम की वजह से बदनाम रही है। तो ये कोरियन ड्रग डीलर पूरे सूरीनाम पर कब्जा कर लेता है, जिसे पकड़ने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एक ऑफिसर कुछ लोगों की हेल्प से उस ड्रग डीलर को पकड़ता है। दोस्तों, अगर आप इस वेब सीरीज को देखेंगे तो आपको स्टोरी पसंद आएगी। वैसे दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये स्टोरी फर्स्ट टाइम नहीं बन रही है, इससे पहले इसकी दो वेब सीरीज बन चुकी हैं। यानी इस स्टोरी की लास्ट वेब सीरीज 2018 से 2020 तक मैक्सिको ड्रामा में बनाई जा चुकी है और अब इसे 2022 में कोरियन में बनाया गया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। लेकिन अब सूरीनाम गवर्नमेंट ने कोरियन गवर्नमेंट से इस वेब सीरीज को बैन करने और इसके डायरेक्टर पर केस करने को कहा है, जिसका रीजन ये दिया गया है कि सूरीनाम पहले ड्रग्स के लिए बदनाम था, लेकिन अब सूरीनाम में ड्रग्स से रिलेटेड कोई काम नहीं होता और इस तरह की वेब सीरीज इसे बढ़ावा देंगी। वहीं सूरीनाम में रह रहे कोरियंस को हेट किया जा रहा है। इन सभी सिचुएशंस को देखते हुए कोरियन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी सिचुएशन अप्लाई करते हुए सभी कोरियंस को अपनी कंट्री वापस आने को कह दिया है। हालांकि अभी भी ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर ऑनगोइंग है, जिसे लेकर डायरेक्टर ने कहा कि उन्होंने इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ नहीं दिखाया जो ट्रू ना हो। दोस्तों, यहाँ ड्रग डीलर एक कोरियन जरूर दिखाया गया है, लेकिन रियल लाइफ में ये ड्रग डीलर सूरीनाम कंट्री का ही सिटीजन था जो अब मारा जा चुका है, जिसका नाम पाब्लो एस्कोबार था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि जल्दी मैं इस वेब सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे देखना आप मत भूलिएगा। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगे हो।